माए तेरे पोतरे शहीदी पा गए नीहा विच आखरी फते बुला गए। वेलकम टू जपनूर व्लॉग्स। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जपनूर व्लॉग्स। आप कैसे हो? होप करती हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, दिन की शुरुआत हुई है डुगू के रेडी होने से। और हम देख लो क्या बने हुए हैं। और डुगू रेडी हो चुके हैं। टाइम देख लो, सुबह का होगा 6:20। यहाँ पर हमारे जपनूर सिंह जी भी उठ चुके हैं, आधे उठ चुके हैं, आधी नींद में है क्योंकि इनका है पेपर जीके का और ये अपना तैयारी करेंगे, है ना। जल्दी डुगू आप बताओ, आप कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ सरहंद। और ये देखो मैंने कुर्ता पजामा पहना ऊपर से लेके नीचे तक, देख लो डुगू की लुक। क्योंकि मैं जा रहा हूँ पंजाब, तो वहां पर जाता ऐसे कुर्ते पजामे में होते हैं, तो मैंने कुर्ता पजामा पहन लिया। ऐसे नहीं जाऊंगा, इसके ऊपर पहनूंगा जैकेट जो कि नीचे रखी है। सबको पता है इतनी गर्मी में आप कांप होगे थोड़ी। गर्मी नहीं, सर्दी में। सॉरी। तो मैं अकेला जा रहा हूँ अपने फ्रेंड के साथ। कोशिश करूंगा कि व्लॉग में पूरा दिखा सकूं। रास्ता तो दिखाऊंगा नहीं, उस टाइम तो वैसे अंधेरा हो रखा है, ठंड भी होगी, फोग भी होगी। गुरुद्वारा आपको जरूर दिखाऊंगा सरहंद का, फतेहगढ़ साहिब। जिन्होंने नहीं देखा वो दर्शन घर पे बैठे बैठे कर ले, क्योंकि जैसे कि आपको पता है शहीदी पूर्व चल रहे हैं। यस yes, आज के दिन जो दोनों छोटे साहिबजादे थे उनको नीहों में चनवाया गया था, फिर तब भी वो एक्सपायर नहीं हुए थे तो उनके सिर कलम कर दिए थे। तो फिर वहीं पे जा रहे हैं डुगू। अगर जप्पू का पेपर ना होता तो हम भी दोनों भी जाते, पर जप्पू का पेपर था तो हमारा बुलावा नहीं था। इसलिए दोनों पहले भी गए मैं काफी बार, तो इनको फिर दोबारा लेके जाएंगे। जाना है मैंने फिर दोबारा नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक फिर दोबारा प्रोग्राम बन रहा है पंजाब जाने का, तो जब जप्पू की छुट्टी होगी दोबारा जाएंगे फिर। ठीक है जप्पू, चलो मैं लेट हो रहा हूँ, नीचे सब वेट कर रहे हैं मेरी। मिलूंगी मैं भी ब्रेक के बाद, अगर डुगू ने दिखाना हो तो डुगू भी ब्रेक के बाद। टाटा बाय बाय। ये देखो गाइस इनकी पूरी लुक। मैं लग रहा हूँ ना नेता, पॉलिटिक्स में हो ना आप। लग रहा नहीं लग रहा? पूरा लेके जुत्ती से लेके ऊपर तक। नाइस, वोट हमें दो जपनूर ब्लॉग्स के YouTube फेवर को वोट नहीं चाहिए। ठीक है, हमें सिर्फ जपनूर ब्लॉग्स वाले वोट चाहिए, भारी मतों से जिता दो हमें। जे चले हो सरहंद नु मेरे प्यारे ओ, मेरे लाला दे नाल रह के रात गुजारे ओ। तो अभी टाइम हो चुका है 8:30 का और फोग हो रही है बहुत ज्यादा। तो अब पहुंचे हैं मयूर ढाबे पे परोंठे वगैरह कुछ खाने के लिए। तो अब चल रहे हैं अंदर, देखते हैं यहाँ पे परोंठे खाते हैं क्या करते हैं। ये बाय कर रहे हैं यहाँ पीछे से, ये सोच रहे पीछे से बैक कैमरे से बन रही है। आपसे मिलवाते हैं कौन कौन आया मेरे साथ। उस टाइम गाड़ी में सब बैठे थे, ठंड के चक्कर में मिलवाया किसी को भी। तो बाहर हो रही है बहुत ज्यादा ठंड, मैं क्या यहाँ बैठेंगे, यहीं बैठेंगे ना। हाँ जी भाई, बहुत ज्यादा ठंड है बाहर। तो ये सारी मेरी गैंग बैठी है जो हमारे साथ जा रहे हैं। हेलो गाइस, कहाँ पर जा रहे हो? हम जा रहे हैं सारे फतेहगढ़ साइड। बाकी जो आग जो सरहंद की जो थोड़ी बहुत है स्टोरी जो मेरे को पता है, मैंने आपको पता जो है बाकी ये बताएंगे अभी आपको गाड़ी में बैठ के। ठीक है, ठीक है। तो अभी आ चुके हैं हमारे मिक्स परोठे बटर के साथ। जप्पू देख ले, अकेले अकेले मैं खा रहा हूँ यहाँ पे। तो अब यहाँ से निकल चुके हैं परोंठे वरोंठे खा के, पेट सबका भर चुका है। अब रास्ते में भी ये सोएंगे मुझे पता है। और अभी हैप्पी ने मुझे कहा था कि करनाल में ना छोले भटूरे भी मिलते हैं लंगर के, राजमा चावल भी हैं। मैंने इसलिए एक ही परोंठा खाया, मैं कि मैंने खाने छोले भटूरे। अब देखते हैं ये खिलाएगा नहीं खिलाएगा। चलो खिलाएगा, चलो देखते हैं आगे जाके आपको दिखाऊंगा मैं जरूर। ये देखो जरा यहाँ पे कितने कपड़े पहन के आए थे, तो ठंडी भी नहीं थी। आठ कपड़े पहन के आए ये लड़का। देखो हैप्पी तूने कितने पहने हैं? तीन, ये आठ कपड़े वाले। बाप इतनी तो यार ठंड थी नहीं मेरे ख्याल से। तीन पजामे, वाह भी वाह। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये लंगर लगा हुआ, जगह जगह पूरी लंगर लगे हुए पूरे रास्ते करनाल से शुरू हुए थे। यहाँ पे जो है गन्ने का जूस मिल रहा है, लगता है छोले भटूरे रहे थे, मिल गन्ने का जूस का ढूंढ क्या रहे थे हम, गन्ने का जूस और गन्ने का नहीं छोले भटूरे। चलो देखते हैं यहाँ पे, तो ये देख सकते हो यहाँ पे हमें मिला गन्ने का जूस। Thank you.
तो अभी आपने देखा यहाँ पे गन्ने के जूस का लंगर होता है। मैंने जिंदगी में अपनी फर्स्ट टाइम देखा गन्ने के जूस का लंगर। तो आपने देखा हुआ पहले? सुना था, पहली बार देखा। मैंने खुद फर्स्ट टाइम देखा है। तो थोड़ा सा बताओ जहाँ पे हम जा रहे हैं इसकी थोड़ा सी ये बताएंगे आगे। अब हम जा रहे हैं फतेहगढ़ साहिब, जहाँ पे छोटे साहिबजादे और माता गुजरी जी की शहादत और संस्कार हुआ था। आज के दिन उनका संस्कार हुआ था, कल जो दिन बीत गया वहाँ पे शहादत हुई थी इनकी, जिनको नियो के अंदर चिनाया गया था। तो अब हम सारे वहाँ पे दर्शन करने जा रहे हैं। ये पीछे हमारे साथ है पूरे, देखो सब, और देखने जा रहे हैं कि वहाँ पे सुना है हर साल बहुत मतलब वो करते हैं, शहीदी दिहाड़े मनाते हैं, बहुत पाठ वहाँ पे होता है। तो आज हम सारे लाइव देखने जा रहे हैं और आपको भी सब दिखाएंगे वहाँ पे जाके, वहाँ पे क्या क्या हुआ है, वहाँ पे जो इतिहास है सारा दिखाएंगे और देखेंगे कि हम भी देखेंगे जाके कि वहाँ पे कैसी संगत आई और क्या उनमें जुनून है। सही बात है, तो चलो चल के दिखाते हैं। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। हेलो हेलो, धूम मत चले ओ भाई, धूम मत चले, धूम धूम तो अब रास्ते में रुके, यहाँ पे मिल रहे पालक के पकोड़े, ये देखो। दो बंदे भेजे हमने, लेने हमने टेस्ट किया तो हमें बहुत स्वाद लगे यहाँ पे। तो रास्ते में इतना लंगर है, समझ नहीं क्या खाए और क्या छोड़े। और अभी ये लिया मैंने हलवा और छोले, कितना बढ़िया लग रहा है। चलो खाते हैं इसको, गाड़ी भी चला रहे हैं, स्टीयरिंग बार बार इधर उधर घूम रहा है। जे चले हो सरहंद मेरे प्यारे हो, मेरे लाला दे नाल रह के रात गुजारे हो, मेरे लाला दे नाल रह के रात गुजारे हो। जद हवा चलेगी ठंडी तन नू चंबदी। तो अभी टाइम हो चुका है 12:15 और पहुंच चुके हैं यहाँ पे। आप पीछे देख रहे हो पार्किंग, गुरुद्वारे से 1 किलोमीटर पीछे ही पार्किंग इन्होंने शुरू कर दी है और ये दूर तक आप देखोगे सारी पार्किंग ही पार्किंग है। सब थक चुके हैं बैठे बैठे। तो ये देखिए साना, अब यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जाएंगे पैदल। गाड़ी हमने खड़ी कर दी यहाँ पे, वो संगत आई हुई है। रास्ते में ट्रॉले भी दिखी हमें। असनी हवाए कोई देनी सुनेहा मैं, किधर गया मेरा लालनी, दसनी हवाए मैनू देनी सुनेहा कोई, किधर गया मेरा लाल। तो जैसे हमें बताया गया था 1 किलोमीटर और कम से कम 2 किलोमीटर हम पैदल चल के आए हैं। और ये देख लो आप संगत कितनी आई है, मतलब बहुत ही ज्यादा संगत है, लोग छतों पर चढ़ चढ़ के देख रहे हैं। तो जैसे ये देखो ये सारा नगर के निकल रहा है। तो यहाँ पे आज निकल रहे हैं नगर कीर्तन, बहुत ज्यादा ही संगत आई हुई है और आगे ना इन्होंने रास्ता बंद कर रखा है गुरुद्वारे साहब जाने के लिए। तो अब यहाँ से अब सलाह हो रही है कि मोरिंडा जहाँ पे जेल थी, जहाँ पे छोटे साहबजादे को रखा गया था जेल में, तो वहाँ जाते हैं। तो देखते हैं क्या प्रोग्राम बनता है, कहाँ जाते हैं। जितनी संगत है उससे ज्यादा जगह जगह पे लंगर हुआ है, जगह जगह पे लंगर, दाल प्रसादा खीर और कहीं पे ब्रेड पकोड़े और आपका मिक्स पकोड़े, दूध चाय, मतलब अनगिनत चीजें हैं, हलवा प्रसाद, छोले बीच में। लेकिन आज मट्ठा नहीं टेक पाए क्योंकि नगर कीर्तन निकल रहा है, तो उन्होंने पूरे चारों तरफ बंद कर रखा है रास्ता। नगर कीर्तन खत्म होएगा, पालक साहब आएगी, उसके बाद मट्ठा टेक पाए, तब तक हम लेट हो जाएंगे। अब देखते हैं, हम सोच रहे हैं मोरिंडा जाने की। मोरिंडा जहाँ पे छोटे साहबजादे को जेल में रखा गया था वो जगह है, तो जाके देखते हैं। तो जप्पू मुझे कहता कुछ पापा मेरे लिए लेकर आना यहाँ पे, और तो कुछ मुझे डंका दिखानी, एक ये दिखाया मेरे को,
मैं कहा ये ले चलते, थोड़ी अलग चीज हो गई, इसको देख के ड्राई देगा किसी को। तो अब आ चुके हैं गाड़ी में, बहुत थकावट हो चुकी, 2 से 2.5 किलोमीटर पैदल चल के गए, 2 से 2.5 किलोमीटर पैदल चल के आए। नहीं 2.5 किलोमीटर होएगा मेरे हिसाब से, तो 3 किलोमीटर होएगा। चलो मोटर 3 लगा लो, 3 जाना 3 आना, 6 किलोमीटर। और पैर नंगे पैर गए थे गाड़ी खड़ी करके, उनके पास में होगा, नीचे से पैर भी छिल गया। अब सलाह बनाइए, जा रहे हैं मोरिंडा गुरुद्वारे जहाँ पे जेल है, तो जाके आपको दिखाते हैं, वहीं पे मिलते हैं आपसे। माए तेरे पोतरे शहीदी पा गए, नीहा विच आखरी फते बुला गए। माए तेरे पोतरे शहीदी पा गए, नीहा विच आखरी फते बुला गए। रास्ते में एक जगह और रुके, यहाँ मिल रहा है ब्रेड पकौड़े और चाय। चाय तो मैं पीता नहीं, अब लेते हैं ब्रेड पकौड़े। तो मैं खा रहा हूँ ब्रेड पकौड़े, यहाँ पर जो मर्जी चीज़ खा लो, वैसे लंगर होता ही स्वाद है, लेकिन स्वाद से भी बहुत और स्वाद है। तो अब आए हैं गुरुद्वारा श्री कोतवाली साहिब। तो ये है गुरुद्वारा श्री कोतवाली साहिब रोपड़ पंजाब में। अब जा रहे हैं यहाँ से अंदर, तो ये यहाँ की हिस्ट्री है, आप पॉज करके पढ़ सकते हो, जिसको पंजाबी नहीं आती उसको मैं फिर अभी ट्रांसलेट करके बता देता हूँ आपको। लैवे कंगू पापिया, लैवे कंगू पापिया, लानता संभाल वे, निहाच शहीद हो गए गोबिंद लाल वे, निहाच शहीद हो गए गोबिंद लाल वे। लैवे कंगू पापिया, लैवे कंगू पापिया, लानता संभाल वे, निहाच शहीद हो गए गोबिंद लाल वे। तो ये जो भी आप देख रहे थे, जो मैं अंदर आपको मैंने दिखाए थे लोहे के गेट से ब्लैक कलर के, तो ये जेल है जहाँ पे माता जी और दोनों साहिबजादों को रखा गया था। जो गंगू नौकर था जिसने कंप्लेन करी थी कोतवाली में जाके थाने में कि माता जी और बाबा जोरावर सिंह जी, मतलब दोनों फतेह सिंह जी, दोनों जो साहिबजादे हमारे घर में हैं, तो यहाँ पर इस जेल में लेके आए थे, जो भी आपने अंदर देखी है। यहाँ पे पार्किंग का काम चल रहा है और अब जा रहे हैं लंगर हॉल, एक एक प्रसादा खाएंगे। वैसे तो पेट में जगह नहीं है, लेकिन प्रसाद के तौर पे एक एक प्रसादा खाएंगे। तो अब यहाँ से निकल गए हैं गुरुद्वारे से कोतवाली साहब, सब जा रहे हैं चमकौर साहिब, तो वहाँ जाके अब आपको दिखाते हैं। ये ऐसी रोड है यहाँ पे, तो यह गुरुद्वारे कतलगढ़ साहिब की रोड, और ये देखो सारा अमृतसर की तरह बना रखा है यहाँ पे, जैसे दरबार साहिब के लिए जाते हैं वैसी पूरी है रोड भी वैसी है। तो अब खड़ी कर दी गाड़ी पार्किंग में, अब अंदर जा रहे हैं, तो अंदर जाके आपको दिखाते हैं।
गुलजार सिंह जी, बस एक यात्रा के लिए कटाए बाप ने बच्चे जहाँ खुदा को लिए। गुरुद्वारा श्री ककंदगढ़ साहिब श्री चमकौर कड़ी दिया कंदा थाहा मार दिया छड़ गया सुनिया लाशाएं जीत जुझार दिया चमकौर कड़ी दिया कंदा थाहा मार दिया छड़ गया सुनिया लाशाएं जीत जुझार दिया लाश पुत दी पैरा दे विच आई। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो अभी गुरुद्वारा, यहाँ पे युद्ध हुआ था, कईयों ने चार साहब जैसे मूवी में भी देखा होगा। बाकी हैप्पी पता क्या हुआ था, यहाँ पर बाबा अजीत सिंह जी की और बाबा जुझार सिंह जी की शहीदी हुई थी। यहाँ पर चमकौर का युद्ध, चमकौर साहब गुरुद्वारा। जो आपने अगर किसी ने चार साहब जैसे मूवी भी देखी होगी, नहीं भी देखी एक बार देखना। तो ये यहाँ का इतिहास है, जो भी मैंने आपको बताया वो ये पे पंजाबी में लिखा हुआ है। आप पॉज करके पढ़ सकते हो, जिनको पंजाबी आती है, और जिनको पंजाबी नहीं आती वो मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे चमकौर की गढ़ में युद्ध हुआ था। बाकी आप चार साहब जैसे मूवी में पूरी डिटेल देख सकते हो। तो अभी मैं यहाँ से मत्था टेक के आ चुका हूँ। यहाँ पर शहीद हुए थे जो पांच पांच सिंहों का जत्था निकला था, वो यहाँ से निकला था, ये सामने से। अभी मैं मेन जो गढ़े भी मैं जाके आपको दिखाता हूँ। तो ये है शहीद बाबा संगत सिंह गेट। जब युद्ध के लिए निकल रहे थे पांच पांच सिंहों का जत्था, तो गेट जो खुलता था यहाँ पे गेट बना हुआ था पहले, और यहाँ से गेट खुल के तब आगे जाते थे युद्ध के लिए। तो ये रेड कलर की दीवार आपने देखी भी होगी जिन्होंने मूवी देखी है चार साहिबजादे। तब यहाँ से ऊपर जाते हुए गुरुद्वारा कच्ची गढ़ी साहिब, तो इस गुरुद्वारे से पांच पांच सिंहों का जत्था जाता था सामने युद्ध के लिए। ये वो जगह है, ये मेरे ख्याल एज इट इज ऐसी रखी हुई भी दीवार, चेंज करी है? नहीं, चेंजेस है। चेंजेस है, कच्ची गढ़ी थी ना, उन पक्की बनाती है। तो ये किले के बैक साइड में तो अभी मैं यहाँ से देखो ये ऊपर चढ़ा हूँ आपको दिखाने के लिए। ये पहले जब लेवल, ये लेवल बहुत ज्यादा नीचे होता था, यहाँ से तीर मारा जाता था क्योंकि ये हाइट इसकी बहुत ज्यादा ऊंची होती थी। इस टाइम तो हाइट इसकी ज्यादा ऊंची दिख नहीं रही है क्योंकि ये रोड वगैरह ऊपर बन चुकी है, तो हाइट थोड़ी नीचे हो गई है। तो ये पूरा सारा जंगल होता था, ये जहाँ जहाँ आप दूर तक आप देख सकते हो। दस लाख दिल्ली दी, हाँ जी, बाकी बाईस लाख दी उन्हां दी, और जिहड़े लोक नवाब सीगे ज्यादा सी। ये वो स्थान है चमकौर की गढ़ी, यहाँ से हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने तीर मारकर मुगलों से युद्ध हुआ था। ये पूरा वो जगह है, पूरा जंगल होता था उस टाइम। तो ये बोले ही सोने हाल सस्त्री अकाल क्या शस्त्र केड़े बाबा जी दे पे, ये जी जदों खुदाई की थी है ना, अच्छा पुरातन शस्त्र निकले से। ये गुरु गोविंद जी के शस्त्र है। आयो शरण तुहारी सतगुर, आयो शरण तुहारी, आयो शरण तुहारी सतगुर, आयो शरण तुहारी।
अकाल। माए तेरे पोतरे शहीदी पा गए, नीहां विच आखरी फतेह बुला गए। माए तेरे पोतरे शहीदी पा गए, नीहां विच आखरी फतेह बुला गए। तब यहां से जा रहे ताड़ी मार गुरुद्वारे, तभी गुरु गोविंद सिंह जी ने ताड़ी मार के चैलेंज किया था सबको कि हिंद का पीर जा रहा है, जो कोई रोक सके तो रोक ले। संगतां दे चरणां विच बेनती है, हुण डीके आरंभ वल्लों सलामी दित्ती जाऊगी, नाल ही नाल चादे पाए जाणगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी। तो ये है गुरुद्वारा ताली साहिब। जैसे कि अभी आपको मैंने बताया था, गुरु गोविंद सिंह जी ताली मार के गए थे, चैलेंज दे के गए थे। ये वो गुरुद्वारा है। गुरु गोविंद सिंह जी ऐसे ताली मार के गए थे। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दी हाथ लिखत, हाथ का लिखा हुआ इनका हुक्मनामा। तो हमारे दिल्ली में तो बंद हो चुके हैं हैंडपंप, और यहाँ पर काफी जगह मेरे को देखने में मिले हैं। तो अभी चला रहे थे, मैं क्या आपको भी दिखाऊं मैं, और किस 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 जगह पे हैंड पंप है वो मेरे को बताना जरूर। तो ये नगर कीर्तन स्टार्ट हुआ था जैसे अभी आपने देखा था पीछे, तो अभी ये जा रहे नगर कीर्तन फतेहगढ़ साहिब। ताली साहब गुरुद्वारे मठा टेकने आए थे। तो अभी यहाँ से निकल चुके हैं, बैठे अभी गाड़ी में, यहाँ पर ले रही है पट्टी, पीछे ले रहे हैं वो खड़े हैं पीछे अभी बर्गर चौमिन वाले। रास्ते में इतना लंगर खा रहे हैं, फिर भी इनको बाहर से कुछ ना कुछ तो लेना ही है। तो अब जा रहे हैं, देखते कहाँ जाते हैं। अभी ये कह रहे हैं अम्बाला चलो, पंजोखड़ा साहिब, मैं कह रहा हूँ घर चलो। पटियाला भी जाना था दुख निवारण साहिब, लेकिन वहाँ का प्रोग्राम कैंसिल हो, क्योंकि लेट हो चुके काफी। तो यहाँ पर सारे खड़े हो गए बर्गर बनवाने के लिए, चौमिन बर्गर। बहुत वेट किया यार, बहुत आधा घंटा हो गया मैं खड़े हुए खड़े। मेरी गाड़ी वहाँ देखो बीच में खड़ी, दो बार मेरे को पुलिस वालों ने बोल दिया कहता हो यहाँ से। ये तो यमी यमी बहुत लग रहा है देखने में। अंकल दे बर्गर दी मेकिंग भी बड़ी लग रही है भाई, प्राइस भी बड़ा मस्त है। 35 ओनली 35 रुपीस। रास्ते पे हम निकल चुके थे वापसी के लिए, तो एकदम से हमें तो ये देखो हो गई है ठंड, तो एकदम से हमें दिखे यहाँ पे गुड़ बनने का सिस्टम।
तो अब आए यहाँ पे गुड़ देखने के लिए। मैंने तो पहले देखा हुआ है चप्पू पैर चप्पल पाला। मैं चप्पू ये देख ला ऐसा बनता गुड़ यहाँ पे। मैं चप्पू को दिखाने हैं, चप्पू आया नहीं तो क्या हुआ, देख तो सकता है ऐसे। ये मशीन है, ये गन्ने ऐसे, तो ये सिस्टम सारा इनका। ये पूरा गुड़ ऐसे, फिर इसके अंदर साफ होता है, फिर इसके अंदर गर्म होके ये सामने बनता पूरा। इस टाइम ये शक्कर बनी हुई है सामने, शक्कर है ना, ये बूढ़ा शक्कर, शक्कर है ये। हवा चल रही है शहर शहर, तो ये साथ साथ पूरे लगे पड़े हैं सारे करने के लिए। ये सिस्टम है गुड़ का, वो सामने रखा था गुड़। तो ये है शक्कर इनकी पूरी, और इस पे बनाते हैं गुड़, और ये है गुड़। ये देखो असली खजाना, ये आप दिल्ली में नहीं मिलता ये टेस्ट, जो यहाँ पे ये टेस्ट मिलेगा। छुपा के रखा हुआ इन्होंने यहाँ, खा के देखो सर, तो जरा सा टेस्ट कराओ। बताते हैं ड्राई फ्रूट वाला भी है। हाँ, कितने का है वो? ताजा चाहिए, ताजा में भाई। बोली देर में बना के दोगे आंटी? चलो सात थैली पैक करो, चलो सात किलो कर दो अलग अलग थैलियों में। यही कह रहे मेरे को ताजा बना के दो यहाँ पे निकाल के। हाँ ताजा बैठो, फिर वेट करो यहाँ पे। अच्छा ताजा यहाँ पे बनवाना है, चलो। तो यहाँ पे हैप्पी ने ले लिया ठेका, कह रहा मैं आपका ये गुड़ बनाऊंगा यहाँ पे, मुझे एक किलो गुड़ फ्री मिल जाए। है हैप्पी? तो अब यहाँ पे होलसेल में ले लिया गया है गुड़। जंटी तोल रहे हैं यहाँ पे। अब ये इतना हमारा 8-9 किलो के, कितने कितना डिस्काउंट, कितना है इसके ऊपर? डिस्काउंट कोई भी नहीं है जानी, अंदर डिस्काउंट कोई भी नहीं है इसके ऊपर। तो ये सामने देखो नया रास्ता यहाँ पे बन चुका है सीधा कनाडा का, इंटरनेशनल रोड ही बन चुकी है। सामने देख रहे हो आप, बलैरो जा रही है बिल्कुल सामने, बट टोल टैक्स कटेगा, सीधा कनाडा पहुंचोगे। तो जिसने जाना है गाड़ी नंबर है, बंदे से कॉन्टेक्ट करो, ये वीजा अप्लाई करा के देंगे आप। अभी पहुंच चुके हैं अंबाला, और अंबाला पे स्पेशल गाड़ी रोके हम मिल लिए कड़ी चावल लंगर के। टेस्टी है ना, टेस्टी तो लंगर होती है। तो टाइम हो चुका है रात के 11, और अब पहुंच चुके हैं, अभी मुरथल भी नहीं पहुंचे, पानीपत भी नहीं पहुंचे। तो अब यहाँ पे रुके हैं ढाबे पे, धर्म ढाबा। तो ये है धर्म ढाबा, अब यहाँ करेंगे डिनर, क्योंकि घर पे तो उन्होंने बनाया नहीं ना। और ये मेरे ख्याल धर्मेंद्र का है, अभी आपको आगे जाके दिखाता हूँ। तो ये देखिए ये फोटो सारी लगी हुई है इनकी। अच्छा जेंट्स टॉयलेट भी है यहीं पे। तो अब करने लगे यहाँ पे डिनर हमारी ऑल टाइम फेवरेट शाही पनीर, और यहाँ पे दाल और प्लेन रोटी, ठीक है ना। बस यही अच्छा लगता है हमें हमेशा होटल पे आके। वेलकम बैक टू जपनूज फैमिली। तो फाइनली घर पे मैं देखो पहुंच चुका हूँ, जो कि आपको ये दिख रही है। घर पे अभी नहीं पहुंचे, बस इनको ले लिया रोटी खा के, व्लॉग नहीं बनाया, बहुत ज्यादा थकावट हो रही थी। रास्ते में भी कुछ नहीं बनाया, बहुत ज्यादा थकावट हो रखी है। टाइम हो चुका है रात के 1 PM। तो चलो ये वीडियो जप्पू करेगा एंड। तो चलो ठीक है गाइस, हमारी आज की वीडियो आज का व्लॉग पापा की आज की वीडियो आज का व्लॉग बस यहीं तक की था। अगर आपको हमारी वीडियो अगर आपको पापा की दिखाई हुई वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन को जरूर दबाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू नेक्स्ट व्लॉग। टाटा बाय बाय।